हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बनाने जा रहे हैं मिर्ची के पकोड़े। तो इसके लिए मैंने लिए हैं 4 बड़ी मिर्चें इस साइज़ की। इतनी बड़ी साइज़ की आपने लेनी है। देन अब हम इसमें हरी मिर्चों के सेंटर में इस तरह से कट लगाएंगे, जिसके आप देख सकते हैं। जब तक इन मिर्चों पर कट लग रहा है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को मेरी न्यू वीडियोस मिलती रहे। और बेल आइकन पे क्लिक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को मेरे नोटिफिकेशन मिले जब तक जब मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी। तो ये मैंने कट लगा लिए हैं मिर्चों पर। इसके बाद हम इसमें शान का अचार, गोश्त का जो मसाला होता है वो लगाएंगे हम हमारी हरी मिर्चों के अंदर। तरह से हम इसको ओपन करेंगे और इसके अंदर हम इस तरह से अचार गोश्त का मसाला डाल देंगे। अचार गोश्त का मसाला डालने से हमारी मिर्चों के पकौड़े जो हैं वो टू मच टेस्टी बनते हैं। दैट्स वाई मैं इसमें अचार गोश्त का मसाला डाल रही हूँ। आप चाहें तो होममेड मसाला भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। इस तरह मैं सारी मिर्चों में फिलिंग कर दूंगी अचार गोश्त के मसाले की। इस तरीके से आपने डाल देना है मसाला। ये हमने फिलिंग कर ली है। अब इसको हम फ्राई करेंगे। जब तो मैं आपको दिखाऊंगी कि हम इसके ऊपर कोटिंग किस चीज़ की करेंगे। अब हमने जो हमारी हरी मिर्चों के ऊपर कोटिंग लगानी है, तो उसमें ही मैंने मिक्सचर बनाया है बेसन का। इसमें मैंने डाला है नमक, रेड चिली पाउडर और बेकिंग सोडा डालकर मैंने इसको पानी से मिक्सचर बना लिया है। और इससे मैं इसके ऊपर हरी मिर्चों के ऊपर कोटिंग करूँगी, वो मैं भी आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ। इसकी कंसिस्टेंसी आपने इतनी ही रखनी है। हमारे जो मिर्चों के पकौड़े हैं वो करने जा रहे हैं। तो ये जो बैटर मैंने बनाया था, इसमें हम हमारी जो मिर्चें हैं उसकी कोटिंग करेंगे। कोटिंग देख सकते हैं मैं कर रही हूँ, कोटिंग मैंने कर दी है बिल्कुल। अब मैं इसको हमारे मिर्चों के पकोड़े तैयार हो चुके हैं एकदम परफेक्टली। इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।